जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए। बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं एसएससी जीडी 2021 से रिलेटेड कि सर क्या नई नई अपडेट है एसएससी जीडी की, कहाँ पर हम पढ़ाई करें कहाँ पर नहीं करें इससे रिलेटेड। साथ ही एसएससी जीडी का जो सिलेबस है उसमें क्या क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं इस बार, जो नोटिफिकेशन क्योंकि अभी तक आई नहीं है, लेकिन हर एक कोई बच्चा जो भी एसएससी जीडी के भी प्रेजेंट टाइम में तैयारी कर रहे हैं या जिन बच्चों को फौज में लगने का सपना है वो सभी जानते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद में टाइम नहीं मिलेगा तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी, क्योंकि आग लगने पर कुआं कभी नहीं खोदा जा सकता। तो जितने भी बच्चे जो पिछली बार वैकेंसी में रह गए हैं या जो बहुत टाइम से तैयारी कर रहे हैं जिनका नंबर नहीं आया, वो सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं इस समय की, ये समय उनके लिए कितना कीमती है, इसीलिए उनकी काफ़ी क्वेश्चन रहते हैं इससे रिलेटेड कि सर नई अपडेट क्या है। जब नोटिफिकेशन आएगी तब तो हमको क्लियर हो जाएगा, लेकिन आप बता दीजिए कि आपको जो अपडेट पता है एसएससी जीडी सिलेबस से रिलेटेड या एसएससी जीडी की जो तैयारी करने का जो सही तरीका है वो कैसे करें। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी के सिलेबस में इस बार क्या क्या नया ऐड होने वाला है, ताकि आप अपनी तैयारी में उन चीज़ों को साथ में जोड़ लें। दोस्तों एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो शायद बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, जो नए एसएससी जीडी के 2021 में फॉर्म भरने वाले हैं उन बच्चों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है कि जो एसएससी जीडी के लिए जो मैथ का लेवल रहता है। तो दोस्तों आप गूगल पे जाके एसएससी जीडी 2018 नोटिफिकेशन डाउनलोड करना, उसमें मैथ का एक पार्ट दिया हुआ है कि मैथ का कौन कौन सा सिलेबस है। बहुत सारे बच्चे मेरे को इंस्टाग्राम पे ऐसे मैसेज भेजते हैं या ऐसे क्वेश्चन भेजते हैं जिनका एसएससी जीडी से संबंधित वो क्वेश्चन नहीं है, जैसे साइन डेटा कोस डेटा ये इनके या क्षेत्रमति के बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो या कुछ इस प्रकार के एडवांस मैथ के जो क्वेश्चन भेजते हैं और फिर बोलते हैं कि सर इनको इनका बता दीजिए ये समझ में नहीं आ रहा। तो उनको मैं बता दूं, अगर आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों आपका सबसे ज़्यादा मजबूत पार्ट होना चाहिए अंकगणित या क्षेत्रमति, ठीक है। क्षेत्रफल किसका कितना है, आयतन ये हो गए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप मैथ में उन चीज़ों को तैयार करें जो आपके काम में आने वाली है, यानी एसएससी जीडी 10th लेवल है, इसमें 10th लेवल का ही मैथ आता है, अंकगणित का पार्ट सबसे ज़्यादा आता है, तो उसको आप पहले तैयार करिए। साथ में रीजनिंग में आप सभी को पता है उसमें कुछ बदलाव होने वाला जैसा है नहीं, वही 100 नंबर का पेपर रहेगा, 25-25 नंबर के 4 पार्ट रहेंगे, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन हाँ कुछ जो नया जोड़ा जाएगा वो बता दूँ पहले तो, लेकिन आपको जब तक नोटिफिकेशन क्लियर नहीं होती तब तक आपको जो मुख्य फोकस करना है वो करना है रीजनिंग और मैथ पर, ठीक है। दोस्तों आप बड़ा नाम देख के या बड़ी कोई इंस्टीट्यूट देख के आप उससे ना जुड़ जाइए जहाँ पर सीजीएल की तैयारी चल रही है, और आप अगर वहाँ पर जाके जुड़ गए एसएससी जीडी के लिए तो आपको वहाँ कुछ समझ में नहीं आएगा। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मेरे पास में मैसेज आ रखे हैं जो बोलते हैं कि सर हमने उनका कोर्स परचेज किया था लेकिन वहाँ तो सीजीएल लेवल का पढ़ा रहे हैं या वहाँ तो उससे भी ऊपर का पढ़ा रहे हैं, तो वो तो हमारे समझ में नहीं आ रहा, और समझ में आ भी रहा है तो उसमें बहुत सारा टाइम लग जाता है, यानी उनके 6 महीने 7-7 महीने के कोर्स चलते हैं। तो बेटा वैसा कोर्स आपको परचेज भी नहीं करना, आपको देखना एसएससी जीडी के लेवल से कौन पढ़ा रहा है वहीं पर फोकस करें। दूसरी बात, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक आपको मैथ और रीजनिंग पर ज़्यादा फोकस करना है, हिंदी पर आपको कंटिन्यू फोकस कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं, हिंदी में कोई भी बदलाव नहीं है, 1% भी बदलाव होगा जीके जीएस में तो उसमें इस बार कंप्यूटर ऐड कर दिया जाएगा, कंप्यूटर का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि कंप्यूटर पास का या कंप्यूटर का कोई भी सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा एसएससी जीडी फॉर्म में, तो वो तो नहीं मांगा जाएगा, लेकिन आपको कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए क्योंकि इस बार आपको एसएससी जीडी के पेपर में कंप्यूटर के भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कंप्यूटर के साथ साथ करंट जीके आप हमेशा पढ़ते रहिए, करंट जीके में सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी को मैं अभी से बता दूँ पेपर में सबसे इंपॉर्टेंट कोरोना रहने वाला है। कोरोना से रिलेटेड आपको जो भी कौन सी वैक्सीन चल रही है, कौन सी वैक्सीन लग रही है, कौन सी कंपनियाँ वैक्सीन बना रही है, कौन कौन सी निर्यात कर रहा है भारत, कौन सी दवाई कहाँ से आ रही है, इसके बारे में आप पूरा नॉलेज रखें, ठीक है, क्योंकि कोरोना से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। तो ये कौन से जानवर से आया है, कौन से प्रणाली में आया है, किस प्रकार से आया है, इसमें कौन कौन से प्रकार के वायरस होते हैं, इन पूरे वायरस के जो झुंड है उसको क्या बोलते हैं, कौन कौन सी कंपनियां वैक्सीन बनाती है, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत आते हैं, इन पर आप जरूर फोकस कर लीजिए। बाकी आप ऐड क्या कर लीजिए, कंप्यूटर, साथ में इन तैयारी को करिए। साथ में जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती ऑफिशियल वेबसाइट पर एसएससी जीडी की, नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैंने पिछला वीडियो जो बनाया था आपको इसके बारे में मैंने बता दिया था कि नोटिफिकेशन आने में समय लगेगा, क्योंकि जब कोई दफ्तर ही नहीं खुल रहा है तो आपको भी पता है कि नोटिफिकेशन आएगी कैसे, तो नोटिफिकेशन आने में समय लग सकता है। लेकिन आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, वो ये है कि जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती तब तक 10th लेवल की मैथ और रीजनिंग आपको मे भी 1-2 दिन 2-3 या 3 दिन के अंदर अंदर आपको हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस शुरू हो जाएगी अपने चैनल पे, और मैथ और रीजनिंग स्पेशली मैं पढ़ाऊंगा तो आपको वही लेवल पढ़ाऊंगा जो एसएससी जीडी में आता है,
या RPF कॉन्स्टेबल में था या आर्मी में था, उसी लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा, तो वहाँ पर आपको मैं तो रीजनिंग की सुविधाएँ पूरी मिल जाएगी। तो तब तक हम उसकी रेंज की तैयारी करेंगे, साथ में हिंदी ले लेंगे, जीके नॉर्मल पढ़ते रहिए। पेपर की जो नई अपडेट आएगी कि कौन कौन सा कंप्यूटर जोड़ा जाएगा और जो करंट अफेयर्स है वो ज़्यादा जोड़ा जाएगा, तो करंट अफेयर्स पे आप ज़्यादा फोकस करें, वो भी पढ़ते रहिए निरंतर, ताकि आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिले। दोस्तों इलेक्शन के बारे में भी नॉलेज रखें, लेकिन इलेक्शन से ज़्यादा इस बार इंपॉर्टेंट कोरोना हो गया है, तो उसके बारे में कब लॉकडाउन लगा था देश में, इसके बारे में सबसे पहले कौन से देश में आया था, ये चीज़ें आपको ज़्यादा जानने की ज़रूरत है अगर आप अभी तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों एक बात विशेष ध्यान रखना, आप कोरोना की जो न्यूज़ देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इनको फोकस कम करके अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा समय बिताइए, अपने समय को यूटिलाइज कीजिए पढ़ने में, और जितना भी जो कोर्स या जो नई अपडेट रहेगी कोर्स का पैटर्न वो सेम रहेगा, और कोई नई अपडेट आएगी इससे संबंधित तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अभी तक की अपडेट यही है कि 100 नंबर का क्वेश्चन होगा, 100 25 25 के क्वेश्चन होंगे। नेगेटिव मार्किंग को लेकर बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन रहते हैं कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी, तो इसके बारे में मैं आपको बता दूँ कि हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग रहे, उसका रीज़न मैं बता चुका हूँ कई बार कि हो सकता है कि नेगेटिव मार्किंग रहे, और काफ़ी चांसेस हैं, यानी 90% चांसेस है कि नेगेटिव मार्किंग रहेगी और होनी भी चाहिए। नेगेटिव मार्किंग होने से काफ़ी अच्छा होता है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, वो एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के पेपर में अच्छे नंबर वही लाता है जो अपने आप में कॉन्फिडेंस दिखाता है, यानी जिसकी मेहनत अच्छी होती है वही कॉन्फिडेंस दिखा पाएगा, तो उसके नंबर भी अच्छे बनेंगे, तो इसीलिए नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। बाकी नोटिफिकेशन आएगी तो बिग अपडेट जो भी होगी उसकी फुल अपडेट कि नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी कितनी नहीं, लेकिन अभी तक के चांस है कि नेगेटिव मार्किंग इस बार SSGD में हो सकती है दोस्तों। तो लेकिन आपको जो पेपर की तैयारी करनी है उसमें विशेष ध्यान रखें, इस अभी तक मैं तो रीजनिंग की विशेष तैयारी करें दोस्तों। जय हिंद जय भारत।